और अब बात करते हैं रीवा की, जहां नगर परिषद मऊगंज के चुनाव में अंततः भाजपा ने बहुमत हासिल किया, लेकिन इस चुनाव में जनादेश घटा है। भाजपा को कई वार्डों में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, जहां पर उसके प्रत्याशी दहाई मत के अंतर में जैसे तैसे जीत हासिल किए हैं। यहां पर भाजपा को 9 वार्ड और कांग्रेस 4, निर्दलीय 2 वार्ड में विजयी हुए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर देखा जाए तो मऊगंज भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व मंडी अध्यक्ष मनसुख लाल सराफ व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मालती सराफ के पुत्र राजेश सराफ और सराफा व्यापारी प्रजा सोनी का प्रबल दावेदारों में नाम सामने आ रहा है। मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 में निर्दलीय ब्रजवासी पटेल ने कांग्रेस के जेबलाल पटेल को 478 मतों से पराजित किया, जो कि मऊगंज नगर परिषद के इस चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रहे हैं। बात करें वार्ड क्रमांक 2 की तो भाजपा की मानवती साकेत ने कांग्रेस प्रत्याशी से कड़ी टक्कर में 33 मतों से पराजित किया। वार्ड 3 में भाजपा से करुणा पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 356 मतों से हराया, तो वहीं वार्ड क्रमांक 4 में ब्रजेश सोनी भाजपा ने 18 मतों से जीत हासिल की। यहां पर निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय ब्रजेश गुप्ता गोरे ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। वार्ड क्रमांक 5 भाजपा की परंपरागत सीट रही। साहिर असलम अनु कांग्रेस को भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ 151 मतों से शानदार जीत मिली। वार्ड क्रमांक 6 की बात करें तो वहां कांग्रेस से प्रत्याशी अभयराज बंसल ने 533 मतों से एक तरफा जीत हासिल किया। वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस के दिग्गज नेता विश्वनाथ मिश्रा ने 91 मतों से जीत हासिल की, तो वहीं वार्ड क्रमांक 8 में जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, वहां पर राजेश मनसुख सराफ भाजपा ने 93 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर जोरदार जीत दर्ज कराई। वार्ड क्रमांक 9 की बात करें तो वहां वीरती ताम्रकार जो कि भाजपा से थी, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 21 मतों से हराते हुए जीत हासिल की है। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 10 में पूर्व पार्षद अली अहमद की पत्नी बतरुन निशा भाजपा और रेशमा खान कांग्रेस को बराबर 381 मत मिले, जिसमें भाजपा प्रत्याशी टॉस में विजयी हुई। वार्ड क्रमांक 11 में ठाकुरदीन कोल भाजपा को 55 मतों से हराते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं वार्ड क्रमांक 12 में कांग्रेस से शीला द्विवेदी ने निर्दलीय तराना को 177 मतों से पराजित किया। इसी तरह से वार्ड क्रमांक 15 की अगर बात करें तो वहां भाजपा से गायत्री मिश्रा ने 56 मतों से जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हनुमान जी की नगरी में जो उनके चरणों के आशीर्वाद से जो न्याय हुआ, अच्छा न्याय हुआ, और वार्ड नंबर 4 उनके जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। क्या आप अध्यक्ष की दौड़ में आप भी हैं? ना ना ना, मैं अध्यक्ष की दौड़ में नहीं हूँ, और मैं अब पार्षद बनके 4 नंबर की जनता की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे साथ पप्पू खान भी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की नगरी में हम सभी कांग्रेस साथी बड़े संघर्ष और बड़े प्रयासों से, हमारे जो साथी भाई सभी लोग हैं, बड़े भैया लोग भी हैं, निर्वाचित हुए, जिसमें हनुमाना के हनुमान जी चरणों में मैं वंदन करता हूं। और हमारे साथी जो हमारे साथ चले वार्ड नंबर 8 में, सुमित भैया, चुनू भैया हमारे बीच आज हमारा मित्र नहीं है, उमेश गुप्ता, और सभी जनता जनार्दन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके सहयोग से मैं जीता और मेरे सभी बड़े अग्रज जो बड़े संघर्ष से जीते हैं।